साथियों, पहले त्रिपुरा में हर जीवन के हर बात में एक शब्द सुनाई देता था, चंदा। कुछ भी हो चंदा, गाड़ी लाए चंदा, घर बना रहे हो चंदा, दुकान खोल रहे हो चंदा। इन लोगों ने तीन तीन दशक तक तिफारा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस दे के रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। पहले त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को पुराने आधार पर ही वेतन मिला करता था। भाजपा सरकार त्रिपुरा में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। पहले त्रिपुरा में सिर्फ वामपंथी काडर को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। अब भाजपा सरकार में त्रिपुरा के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले त्रिपुरा में लोग पुलिस थाने तक मुश्किल से पहुंच पाते थे। पहुंचने के पहले भी चंदा देना पड़ता था, पहुंचने के बाद भी चंदा देना पड़ता था। थानों पर भी सीपीएम कैडर का ही कब्जा था। अब भाजपा के शासन में त्रिपुरा में कानून का राज स्थापित हुआ है। साथियों, आप याद करिए, हिंसा के उस दौर में महिलाओं पर, हमारी बहनों हमारी बेटियों पर कितने अत्याचार हुए थे। लेकिन आज त्रिपुरा में महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं का जीवन आसान बनाने वाले काम हो रहे। अभी मेरे त्रिपुरा की एक मां ने आकर के मुझे पगड़ी पहनाई। सिर्फ पगड़ी पहनाई नहीं, बहुत ही एक बेटे को जैसे आशीर्वाद दे, उस मां ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। मुझे खुशी है, इस चुनाव में यहां से हमारी एक युवा बेटी ही भाजपा की उम्मीदवार है।